अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज हम एक और मज़ेदार ट्रिक के साथ आए हैं जिसकी मदद से हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से हम बड़ी आसानी के साथ बग़ैर डिवाइड किए हम आंसर निकाल सकते हैं किसी भी रकम का। आप जानना चाहते हैं कि ये अमल किस तरह से होता है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, लास्ट तक अच्छे तरीके से देखिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी तो दोस्तों, हमने रकम लिखी है 243 डिवाइडेड बाय 5। अब हम पहले 5 से डिवाइड करना सीख रहे हैं। डिवाइड करेंगे, हमने डिवाइड करना है डिवाइड करने के बगैर, कैलकुलेटर के बगैर। देखें, जब भी आपने 5 से डिवाइड करना है, आपने जो भी रकम है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जी हाँ, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जी कर दें, 3 2s are 6, 4 2s are 8, 2 2s are 4। आंसर आ गया। कैसे आ गया आंसर? क्या होगा? अब ये 1 डिजिट है तो राइट साइड से आप एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दें, ये आपका आंसर आ गया 48.6। चेक कर लें आप कैलकुलेटर से, यही आपका आंसर होगा। जी हाँ, यही आपका आंसर है। एक और कोर पार्ट ले लिया, डिवाइडेड बाय 5। अब इसको भी आप डिवाइड करते हैं, सिंपली क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 7 2s are 14, 1 कैरी हो गया, 3 2s are 6, 1 7, 2 1s are 2, 2 2s are 4। 1 डिजिट राइट साइड से एक छोड़ के इशारिया लगा दें, 427.4, ये आपका आंसर हो गया। हाँ जी, किसी भी कोई भी नंबर आप ले लें, इस मेथड से आप उसको डिवाइड कर सकते हैं बगैर डिवाइड किए। एक और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, कोई और नंबर ले लेते हैं। हम नंबर ले लेते हैं 6 4 3, उसको 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 कर दें, 3 2s are 6, 4 2s are 8, 6 2s are 12। क्या होगा? राइट साइड से आपने एक इंसान छोड़ देना है, यहाँ पे पॉइंट लगा देना है, 128.56.6 आपका आंसर हो जाएगा। क्यों जी, है मज़ेदार ट्रिक? इस तरीके से आप किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड कर सकते हैं सेकेंड्स में। ठीक है, तो चलते हैं जी एक और मेथड की तरफ, एक और ट्रिक की तरफ। जी तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, अब हमने 25 से डिवाइड करना है इसको। वो तो आप कह सकते हैं कि हमें 5 का टेबल आता था, हम 5 के टेबल से कर सकते हैं। अब बहुत सारों को 25 का टेबल नहीं आएगा, अगर आता होगा तो उसको करने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हम 25 का टेबल को भी नहीं याद करना, डिवाइड का अमल भी नहीं करना, और बड़ी जल्दी से हमने इसको सॉल्व भी कर लेना है। देखें कैसे, उसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, अब 25 के लिए आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना। सिंपली इस रकम को आपने 4 से मल्टीप्लाई कर देना। जी देखें, 7 4s are 28, 2 कैरी हो गया, 4 4s are 16, 2 18, 1 कैरी हो गया, 5 4s are 20, 1 आ गया, 21 आ गया। अब इसमें क्या है, 2 डिजिट्स हैं, तो हमने क्या करना है, राइट साइड से 2 डिजिट्स छोड़ के इशारिया लगा देना, ये आपके पास इसका आंसर आ गया 21.88। एक और एग्जांपल, कोई भी नंबर ले लें, 1 3 4 7 डिवाइडेड बाय 25, 25 से करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर दें सिंपली। 7 4s are 28, 2 कैरी हो गया, 4 4s are 16, 2 18, 1 कैरी हो गया, 4 3s are 12, 1 13, 1 कैरी हो गया, 4 1s are 4, 5 आ गया। राइट साइड से आप 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। सिंपली आप किसी भी नंबर को आप 25 से डिवाइड कर सकते हैं, बहुत ही सादा ट्रिक के ज़रिए से। कोई और नंबर ले लेते हैं। जी कोई भी नंबर ले लें आप, बड़ा नंबर ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय 25, इसको डिवाइड करते हैं। सिंपली क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 7 4s are 28, 2 कैरी हो गया, 5 4s are 20, 2 ऐड कर दें, 22 हो गया, 2 कैरी हो गया, 4 4s are 16, 2 18,
वन कैरी हो गया, फोर थ्री ज़ार 12 × 13। सिंपली राइट साइड से एक पार्ट छोड़ें और दो डिजिट्स के बाद इशारिया लगा दें, आपका आंसर आ गया। आप चाहें तो इनको कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, जल्दी से कैलकुलेटर से चेक करें, कमेंट बॉक्स में बता दें कि बिल्कुल एक्यूरेट आपको ऐसे ही आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे एक और ट्रिक की तरफ। तो फ्रेंड्स आगे हम और टिपिकल आगे, अब हम 125 से डिवाइड करेंगे। अब 125 का टेबल मुझे भी नहीं आता होगा, आप में से भी किसी को नहीं आता होगा, करने बैठेंगे तो मुश्किल अमल होगा। इसको भी हम एक सादा सी ट्रिक के ज़रिए से चंद सेकंड में सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करना ही नहीं है हमने। क्या करना है, इसको आपने 8 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी ये जो रकम है उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें। 8 × 7 = 56, 5 आपका कैरी हो गया, 8 × 5 = 40, 5 उसमें जमा किए 45 हो गया, 4 कैरी हो गया, 8 × 3 = 24, 4 ऐड किए 28 हो गया, 2 कैरी हो गया, 8 × 1 = 8, 2 उसमें ऐड किए 10 बन गया, सिंपली आंसर हो गया। अब इसमें 3 डिजिट्स हैं, आप राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ के डॉट लगा दें तो आपका यह आंसर आ गया। ठीक है, कोई और नंबर ले लेते हैं, एक और नंबर ले लेते हैं, 5 3 6 8 2, उसको 125 से डिवाइड करना, डिवाइड तो हमने करना ही नहीं, हमने क्या करना है, इस नंबर को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। करें जी, 8 × 2 = 16, 8 × 8 = 64, 1 ऐड किया 65, 6 कैरी हो गया, 8 × 6 = 48, उसमें 6 ऐड किए 54, 4 लग गया, 5 कैरी हो गया, 8 × 3 = 24, 24 में 5 जमा किए 29, 2 आ गए, 8 × 4 = 40, उसमें 2 ऐड किए 4 × 2 = 9, 5 × 6, राइट साइड में 3 डिजिट छोड़ें, एक के बाद पॉइंट लगा दें, आपके पास उसका डिवाइड करके आंसर आ गया, सिंपल डिवाइड करके आपका उसका आंसर आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते, कोई और नंबर ले लें जी, हम कोई और नंबर ले लेते हैं, 4 3 4 7 8 5 8 9 कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 125। अब इसको भी कैसे करना है, मल्टीप्लाई कर देना आपने 8 से, करें जी, 9 × 8 = 72, 7 × 8 = 64, 64 में 7 जमा किए 71, 7 हो गया, 8 × 7 = 56, 56 में 7 प्लस किए 63 आ गया जी, 6 कैरी हो गया, 8 × 4 = 32, 6 ऐड किए 38, 3 आ गया, 8 × 3 = 24, 24 में 3 ऐड किए 27 हो गया। राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ के आप सिंपल लगा देंगे तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान और मज़ेदार ट्रिक है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे आप जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। सिंपली आपने याद करना है, जब आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करना है सॉरी, आपने जब किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करना है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दें। अगर आपने 25 से डिवाइड करना है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें और दो डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा दें। अगर आपने किसी को 125 से डिवाइड करना है, उस जो भी रकम है उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 डिजिट्स राइट साइड से छोड़ के आप पॉइंट लगा दें, उसका आपके पास आंसर आ जाएगा बगैर डिवीजन के, बगैर कैलकुलेटर के। आप ये ट्रिक कर सकते हैं और इस ट्रिक के ज़रिए से आप कोई भी बड़ी रकम को सॉल्व जो है वो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रिक पसंद आई होगी, वीडियो को जल्दी से शेयर कर दें, लाइक कर दें, और जो लोग नए हैं अभी चैनल पर वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर लें, क्योंकि अगर आप बेल आइकॉन को प्रेस नहीं करते हैं तो आपको लेटेस्ट वीडियोज़ का बारे में पता नहीं चलता और ये मज़ेदार ट्रिक आपसे पहुँच से दूर हो जाती हैं। हम जी आगे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, हम डिवीजन के और मज़ेदार ट्रिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।